हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक का नाम होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इन तीनों थियरी का डिफरेंस लेने वाले हैं, जिसकी मदद से आप लोगों को ये तीनों थियरी और इसका डिफरेंस एक ही वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग टोटल 10 से 12 पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप जोड़ोगे तो मिनिमम आपको 35 एमसीक्यू इसी वीडियो के अंदर आपको थियोरेटिकली सोल्व करने मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके बेसिक की, राइट, और उसके बाद में हम लोग लिख के बाकी के पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करें तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टोटल सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर डिवाइड करेंगे तो उसमें टोटल मेन दो पार्ट होंगे, राइट। एक पार्ट होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरा होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। तो दोस्तों, ये जो हमारा डाया, पेरा और फेरा, ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं वो किसमें आएंगे? मैग्नेटिक के अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं कि उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो आइधर वो लोग अट्रैक्शन करेंगे, अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, कोई ना कोई इफेक्ट तो वो लोग क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट, आपको बताएंगे, तो उसको आप मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकोगे। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? सपोज हमारा वुड होगा, प्लास्टिक है, ग्लास है, तो वो सब मटेरियल्स कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक, मतलब कि उन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे हम बात करने वाले मैग्नेटिक, तो ये डाया, पेरा और फेरा, ये तीनों सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे, राइट। उसके अंदर हम बात करें तो सबसे जो पहले एक और दो पॉइंट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना होगा, वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम बाकी के पॉइंट्स यहाँ पे लिख के करने वाले, राइट। तो डाया मैग्नेटिक के अंदर आपको याद रखना होगा दोस्तों कि उसका जो मोलिक्यूल, राइट, और उसका जो एटम होगा, उसके पास कोई भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, मतलब उसके एटम के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं है, राइट, और उसकी टोटल डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी? जीरो होगी। और पैरामैग्नेटिक का और डायमैग्नेटिक का डिफरेंस क्या होगा? पैरामैग्नेटिक के अंदर, राइट, उसके कोई भी एटम या मोलिक्यूल के पास अपनी खुद की डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर, हमको पता है 11th में हम स्टडी कर चुके हैं, राइट, 3/2 kBT इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, के रूम टेम्परेचर के ऊपर सभी डाइपोल मोमेंट्स कैसे होंगी? रेंडम होंगी। सो उसका जो आप नेट, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट लोगे, राइट, तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे भी नेट मोमेंट तो क्या होगी? जीरो होगी। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखने की बात नहीं की हुई है, राइट। अब हम लास्ट बात करें फेरोमैग्नेटिक की, तो दोस्तों फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि उसमें डोमेन वाइज मैग्नेटिक मोमेंट होंगी, मतलब कि एक साइड कोई डोमेन होगा तो उसमें कई सारे एटम्स एक ही साइड मैग्नेटिक मोमेंट को, राइट, अरेंज करके रखे होंगे, दूसरी साइड दूसरा डोमेन होगा तो उसके अंदर भी मोमेंट होगी और किसी और साइड होगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या होगा कि टोटल डोमेन तो सब, राइट, कैसे होंगे? नॉन यूनिफॉर्म अरेंज होंगे, मतलब कि अपनी अपनी डायरेक्शन में अरेंज होंगे, तो इसमें भी क्या होगा कि टोटल मोमेंट तो जीरो जाएगी। तो इन दोनों का मैं फिर से डिफरेंस बोल रहा हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एटम के पास अपनी खुद की ही कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, राइट, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। पैरामैग्नेटिक में अपने पास एटम के पास डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन उसकी टोटल मोमेंट तो क्या होगी? जीरो होगी, सभी की मोमेंट रेंडमली होगी। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन वो डोमेन वाइज होगी, राइट, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या होगा कि सभी डोमेन रेंडम होने की वजह से टोटल क्या होगी? जीरो होगी। मतलब कि तीनों के अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो ही होगी, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड में उसको नहीं रखेंगे तो थोड़ी ना उसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होने वाले, राइट। अब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके साथ क्या होगा, मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, फिर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें क्या इफेक्ट होगा, फिर उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या इफेक्ट होगा, और भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होगा कि उसकी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट क्या होगी? नहीं होगी, राइट, मतलब कि जीरो होगी, राइट। और पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगी? इसके पास अपनी खुद की इंडिविजुअल, राइट, डाइपोल मोमेंट होगी, मतलब कि इसके हर एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट तो होगी, लेकिन यहाँ पे भी नेट मोमेंट तो क्या होगी? जीरो ही होगी। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होगी? डाइपोल मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमेन होगी, राइट, डोमेन मतलब कि किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर कितने सारी डाइपोल मोमेंट का एक साथ होना, राइट, फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर होना, राइट, कोई भी एक रेशियो रीजियन, और कोई भी एक विस्तार जिसको आप बोल सकते हो, मतलब कि फील्ड और प्रदेश, राइट। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे टोटल नेट मोमेंट तो कितनी होने वाली है, राइट, जीरो। यहाँ पे भी दोस्तों टोटल मोमेंट तो जीरो ही होगी, क्योंकि दरेक के पास, हर एक के पास डाइपोल मोमेंट तो होगी, लेकिन वो सब रेंडम होंगी, इसलिए टोटल मोमेंट कितनी होने वाली है यहाँ पे? जीरो। और यहाँ पे भी सभी डोमेन एक डिरेक्शन में नहीं है, राइट, इसलिए यहाँ पे भी टोटल मोमेंट क्या होगी? जीरो ही होगी, राइट, राइट, खास ध्यान रखना। और तीसरी बात, इसके पास जो मैग्नेटिक अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, राइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, इसका
इसके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन राइट, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रियल रिस्पॉन्सिबल होगा उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बात की कि इसका डोमेन स्ट्रक्चर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए राइट, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी ये तो हम यहाँ पे बात करने वाले राइट। अब के जो दो पॉइंट होंगे दोस्तों वो खास ध्यान रखना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर से आप लोग नीचे के पॉइंट राइट अंडरस्टैंड कर सकोगे समझ सकोगे। अब हम बात करते हैं अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को दोस्तों अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसमें उल्टा क्या होगा दोस्तों कि उसकी जो डाइपोल मोमेंट अंदर प्रोड्यूस होगी राइट वो उल्टा उसकी ऑपोजिट में प्रोड्यूस होगी। ऑपोजिट में प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सटर्नल राइट वो बाहर की ओर क्या जाएगा राइट, बाहर की ओर धकेला जाएगा राइट। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। फिर पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगी दोस्तों, जो अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी राइट वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में ही होगी, और यहाँ पे भी क्या होगा सेम ही होगा राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट होगी, यहाँ पे सेम और यहाँ पे भी सेम। इन दोनों में फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पे जब से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास होगा राइट, इतना फर्क होगा। और यहाँ पे होगा ही नहीं, उल्टा ये क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की ओर धकेल देगी राइट। तो हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आपको मिलेगा रिपल्सन राइट, यहाँ पे आपको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा रिपल्सन। सेम यहाँ पे आपको मिलेगा अट्रैक्शन क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम होगी राइट, और सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा अट्रैक्शन राइट। मतलब कि आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो उसको क्या करेगा रिपेल करेगा, मतलब धक्का मार देगा। यहाँ पे वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा वो सेम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इन दोनों में से इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, वो इसके अंदर डोमेन बने हुए हैं राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे राइट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरों से दूर होंगी, फार होंगी, मतलब यहाँ पे फील्ड क्या होगा राइट वीक होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। वो आपको एग्जाम में दिया नहीं गया होगा, आप लोगों को डिसीजन लेना होगा इस फील्ड लाइन को समझ के राइट। यहाँ पे सब क्लोज फील्ड लाइन है, क्लोज फील्ड लाइन है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके अंदर आप लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो सबसे पहले आपको वो बताना चाहिए कि यहाँ पे होने क्या वाला है रिपल्सन राइट, और रिपल्सन कहाँ से कहाँ होगा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ऑब्वियस बात है वो क्या करेगा ज्यादा रिपेल करेगा। तो सब्सटेंस कहाँ जाएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाएगा और उसके ऊपर क्या लगेगा राइट, उसके ऊपर लगेगा रिपल्सन, इसलिए वो कहाँ जाएगा स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। यहाँ पे वो आप लोगों ने सीखा अट्रैक्शन होने वाला है राइट, इसलिए जो हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा स्ट्रॉन्ग की ओर अट्रैक्शन होगा। बिकॉज दोस्तों अट्रैक्ट तो दोनों करेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों, लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा स्ट्रॉन्ग का होगा, इसलिए सब्सटेंस कहाँ जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर। और सेम यहाँ पे भी क्या होगा सब्सटेंस कहाँ जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर राइट। अब हम आगे बढ़े तो दोस्तों ध्यान रखना इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी राइट, बहुत ही लो होगी और नेगेटिव होगी, ये खास पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही लो होगी नेगेटिव होगी और अराउंड कितनी होगी अराउंड 1 होगी राइट। दोस्तों यहाँ पे भी इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी लो ही होगी लेकिन वो पॉजिटिव होगी राइट, और अराउंड कितनी होगी 1। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर नेगेटिव फील्ड को वो क्या करेगा राइट प्रोड्यूस होने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्लियर देख सकते हो कि इसके अंदर उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट ने क्या किया ऑपोजिट साइड में इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को धकेल दिया राइट, इसलिए हम इसको नेगेटिव बोल रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने में खास इजी रहेगा इस कंसेप्ट वाइज राइट। यहाँ पे इसने सपोर्ट तो किया लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा इसके अंदर बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा राइट दोस्तों वेरी हाई होगा, और इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी प्लस होगी, और अराउंड दोस्तों खास ध्यान रखना इसी ससेप्टिबिलिटी होगी 10:2 मतलब कि 100 के आसपास होगी। अब एक बहुत ही मस्त दो और पॉइंट की बात करने वाले, मैंने आपको बताया था 35 ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे आप टोटल काउंट कर लेना आपको मिलेंगे राइट। तो जब आप स्प्रिंग को रखोगे और यहाँ पे आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे राइट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो जब आप एन और एस रखोगे तो दोस्तों ऑब्वियस बात है मैंने फिर से आपको बताया था कि रिपल्सन होने की वजह से ये जो ब्लॉक होगा वो कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अट्रैक्शन होने की वजह से ये ब्लॉक कहाँ जाएगा नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ पे सेम ये दोनों इसको क्या करेंगे नीचे की ओर अट्रैक करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे नीचे की ओर ज्यादा कम धक्का लगेगा और यहाँ पे ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे धक्का कहाँ लगेगा ऊपर क्योंकि यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा। और एक एमसीक्यू की बात करें तो अगर आप किसी ट्यूब के अंदर इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को भरोगे राइट, और यहाँ पे आप नॉर्थ और साउथ पोल्स रखोगे तो दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से ये क्या करेगा इस मटेरियल को धक्का मारेगा, मतलब कि यहाँ से मटेरियल क्या होगा दोस्तों नीचे की ओर जाएगा। मैं आपको एरो मार देता हूँ नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ पे मटेरियल क्या होगा राइट यहाँ से धक्का मिलने की वजह से ऊपर की ओर जाएगा। ये भी एक एमसीक्यू हो गया। यहाँ पे हम बात करें राइट, यहाँ पे जब आप लोग नॉर्थ और साउथ पोल्स रखोगे दोस्तों तो क्या होगा
कि ये अट्रैक्ट करेगा, राइट, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा मटेरियल होगा क्या करेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, राइट, और यहाँ से क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या अट्रैक्शन होने की वजह से ऊपर जाएगा, सेम यहाँ पे भी क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा, राइट, जब आप लोग नॉर्थ और यहाँ पे क्या रखोगे साउथ, मतलब यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ से उसको धक्का लगने की वजह से नीचे जाएगा, राइट, यहाँ से अट्रैक्शन होगा। तो दोस्तों इन दोनों में क्या फर्क होगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा और यहाँ पे ज्यादा। तो दोस्तों खास ध्यान रखना, ये दोनों एमसीक्यू सेम तरफ से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस कैसे फाइंड करना होगा, इसमें जो लेवल होगा उससे ज्यादा लेवल इसमें ऊपर चढ़ेगा, राइट, खास ध्यान रखना, कितने सारे एमसीक्यू आप देख पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, राइट, धकेला हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर कितना मिलेगा, जो हमारा बी नोट जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे भी कम मिलेगा, राइट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बी नोट से ज्यादा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, बी नोट से बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास होने से टोटल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, राइट। दूसरी बात हम करें तो यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, लेस देन वन होगी, मैं आपको बताया था और एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्पेशल मैग्नेटिक परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात की हुई है, राइट, बहुत ही मस्त तरह से, तो वहाँ पे अभी आप सीख सकोगे कि परमिबिलिटी किसको बोलते हैं, राइट, परमिबिलिटी मतलब क्या होगा कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को परमिट देगा कि नहीं देगा। तो हमने क्लियर यहाँ पे देखा कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को परमिट नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी परमिबिलिटी कितनी होगी, एक से कम होगी, राइट, यहाँ पे इसकी परमिबिलिटी कितनी होगी दोस्तों, अराउंड, राइट, वन होगी, और यहाँ पे इसकी परमिबिलिटी कितनी होगी, एक से बहुत ही ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी इसकी, वेरी लो होगी, राइट, यहाँ पे इसकी लो होगी, और यहाँ पे कितनी होगी इसकी, हाई और वेरी हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और लास्ट बात हम करें तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, जीरो, राइट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी जीरो, मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी, राइट, यहाँ पे लो होंगी और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा वेरी हाई, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कई सारे डिफरेंस को सोल्व किया, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, राइट, थैंक यू।